नमस्कार, आप सभी का अपनी चौपाल में बहुत बहुत स्वागत है। 26 नवंबर संविधान दिवस के उपलक्ष में एक छोटी सी चर्चा, जिसमें आज हमारे मध्य उपस्थित हैं माननीय जीएस विज जी। आप रिटायर्ड जज अटॉर्नी जनरल आईटीबीपी हैं। माननीय संजीव उनियाल जी, आप एडिशनल एडवोकेट जनरल इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फॉर द स्टेट ऑफ उत्तराखंड है। एंड माननीय सीमा सिंह जी, आप DU फैकल्टी ऑफ लॉ। आप सभी का स्वागत है अपनी चौपाल में। और हमारी चर्चा का आज विषय है भारतीय संस्कृति और हमारा संविधान। जैसे हम सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग है, पर हमको ऐसा सुनने में आता है और कई जगह ऐसे बोलते हैं आम बोलचाल में कि भारतीय संविधान कहीं से उठाया हुआ है, चुराया हुआ है। तो इस पे ये सुन के दिल को ठेस भी पहुंचती है, पर इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। तो आज हम ये जानना चाहेंगे कि भारतीय संस्कृति क्या सच में भारतीय संविधान का अंग है। बात को मैं यहां से शुरू करता हूं कि जिस टाइम पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्टिंग कमेटी बना रही थी, तो ये बात सच है कि जुडिशरी, पार्लियामेंट और दूसरे ऑर्गन्स जो हैं, हमने दूसरे देशों के संविधानों को देखकर अपने यहां अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले। लेकिन उसी के साथ में यह भी एक सच्चाई है कि हमने स्वधर्म, स्वदेशी और स्वभाषा को भी इसमें निहित रखा और इसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सर्टेन पेंटिंग्स हैं, कुछ पेंटिंग्स दे रखे हैं जो हमारी संस्कृति, क्या पुरानी संस्कृति थी, मोहनजोदड़ो से लेकर वैदिक काल से लेकर सीता मैया की, उसमें श्री कृष्ण की जब वो गीता में उपदेश दे रहे हैं, सीन्स ऑफ महावीर्स लाइफ, सीन्स ऑफ बुद्धास लाइफ, स्प्रेड बुद्धिज्म बाय अशोका, सीन्स ऑफ गुप्ता, सीन्स ऑफ विक्रमादित्य कोर्ट, नालंदा यूनिवर्सिटी जो विश्व में उस टाइम पे प्रथम स्थान रखती थी, उड़ीसा स्कल्पचर, इमेज ऑफ नटराजा एंड महाबलीपुरम, अकबर का मुगल दरबार का आर्किटेक्चर, पोर्ट्रेट ऑफ शिवाजी एंड गोविंद सिंह, गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र, जो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सब बात दर्शाती है कि जो हमारा स्वधर्म था, जो हमारा एक स्वराज पाने का पूरा ध्येय था, जिसके लिए हमने आजादी ली और उसके बाद जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसके अंदर हमने सबसे प्रथम स्थान अगर किसी को दिया तो वो था हमारा अपना कल्चर, हमारी अपनी संस्कृति। और इसी को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 51 में, आर्टिकल 29 और 30 में हमने इस तरीके का प्रावधान रखे कि व्यक्ति अपनी भाषा, अपने कल्चर को अपना सकता है और उसके साथ में अपना जीवन यापन कर सकता है। आगे की चर्चा के लिए मैं, मुझे दो तीन बातें जो अभी कहनी चाहिए वो लगता है कि बहुत जरूरी है। जैसे कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात होती है, हम सब लॉ के स्टूडेंट्स हैं, तो उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जो हमने पढ़ा, जो हमें पढ़ाया गया, वहां कहीं पर भी नजर नहीं आता था कि ओरिजिनल प्रति, जो मूल प्रति है, जिसकी अभी हमारे विक्स साहब भी बात कर रहे थे, उस ओरिजिनल प्रति में जब उसको अनिवील किया गया, उसको दिखाया गया, दर्शाया गया, जब मैंने उसको पढ़ा तो मैं हतप्रभ हो गया। माता सीता की बात, और आज तो 26 नवंबर जिस कॉन्स्टिट्यूशन डे को हम मनाते हैं, हमें तो आज ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें कि हम सब लोगों को आज धन्यवाद देना चाहिए उस कमेटी का, ड्राफ्टिंग कमेटी का, डॉक्टर अंबेडकर का, कि इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन दिया उन्होंने हमें। उसकी जो तरीका था, जो गवर्निंग, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, नंदलाल बोस के माध्यम से चित्रों को बनाया गया इलाहाबाद में, उन चित्रों का जो अभी ये वर्णन कर रहे थे, अपने आप में हतप्रभ करते हैं। राम दरबार, हनुमान जी बैठे हुए हैं, ओरिजिनल प्रति की बात कर रहा हूं मैं, कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल प्रति की बात कर रहा हूं। उस प्रति में राम दरबार, सीता माता, बोध, मुगल को भी ये कहते हैं कि आप एक खास तरह से एक जाति धर्म की बात ना करके, जिन्होंने स्वराज को, स्वधर्म को, स्वभाषा को अपनाने की कोशिश की, ऐसी चीजों का कोऑर्डिनेशन है। और मुझे वो चाणक्य का श्लोक कई बार याद आता है, यस्य नास्ति संप्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम्, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम् करिष्यति।
जिस व्यक्ति की अपनी बुद्धि नहीं है, अपने अपनी आंखों से चश्मा नहीं है, जिसके अपने चक्षुओं को जो यूज नहीं कर पाता है, वो क्या देख पाएगा? क्योंकि लगभग ऐसा है जैसे कि किसी आप अंधे व्यक्ति के सामने मिरर रख दे, वो कुछ नहीं देख पाएगा। ऐसे ही आपको यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन, और हम तो लॉ के स्टूडेंट हैं, हम उसी तीन लाइनों में से क्या वास्तव में उसका तात्पर्य था, क्या कहना चाह रहे हैं, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा देवंशी कि ये भारतीय कानून, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को हमने नहीं लिया। वास्तव में भारतीयता उसमें बिल्कुल भरी हुई है, और उसको पढ़ने भर की देरी है, उसको देखने भर की देरी है, उसको उभारने भर की देरी है। और अभी मैं आपको जो अभी लेटर स्टेज में हम चलेंगे, जब सीमा जी अपनी बात रखेंगे, उसके बाद जब सेकंड फेज में हम पहुंचेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में किन चीजों को अभी तक दबाया गया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट एंड पार्सल है, जो आपकी बात को पूरी तरह से सार्थक करेंगे, चरितार्थ करेंगे कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय है। सीमा जी, आपके क्या इनसाइट्स हैं इस पे? देखिए, मुझे लगता है ना ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, और आज जब हम संविधान दिवस मना रहे हैं, तो अब इन बातों पर डिस्कशन कहीं ना कहीं होना चाहिए। और डिस्कशन करने के लिए मुझे लगता है कुछ चीजों की डिटेल में एक एनालिसिस जरूरी है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन पर लगातार ये आरोप लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की कॉपी थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को कॉन्स्टिट्यूशन का बेस बनाया गया, लेकिन सवाल यहाँ पे ये था कि जब स्वराज्य के लिए इतनी लंबी आजादी की लड़ाई लड़ी गई, तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उसका फाउंडेशन क्यों बना? और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फाउंडेशन बना उसका, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि संविधान से, भारतीय संविधान से भारतीयता खत्म हो गई? तो मुझे लगता है कि इसके लिए सबसे पहले उस समय की काल और परिस्थिति की एनालिसिस जरूरी है कि जब इतना लंबा आंदोलन स्वराज्य के लिए इस देश में लड़ा गया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को 1937 में जिस कांग्रेस ने रिजेक्ट किया, उसने संविधान को अपना बेसिस क्यों बनाया? यहाँ पे हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखनी चाहिए कि जब कैबिनेट मिशन आया, तो सबसे पहले कैबिनेट मिशन आया है, कैबिनेट मिशन के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है, उसके बाद भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है, और संविधान जाकर के आपका 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हुआ है। इस दौरान एक लंबी जर्नी की गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के बाद जब मुस्लिम लीग ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बायकॉट किया, और उन्होंने बोला कि हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए, यानी हमें एक अलग पाकिस्तान चाहिए, उस समय की स्थिति की आज आप कल्पना करके देखिए, पूरे देश में एक इनस्टेबिलिटी की कंडीशन है, लोग भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत जा रहे हैं, मेजर राइट्स हो रहे हैं। उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को लाने को फंडामेंटल डॉक्यूमेंट बनाने का एक मूल प्रयोजन ये भी था कि उस समय की संविधान सभा कोई नया एक्सपेरिमेंट करके स्थितियों को और ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, और उन्हें इसीलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि पूरी दुनिया में जो गवर्नेंस का मॉडल चल रहा है, उसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को हम बेस बनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को पूरा का पूरा कॉपी किया गया। 10-15 साल से भारतीय व्यवस्था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे चल रही थी। एक हम हर चीज को हटा करके नए सिस्टम को स्टैब्लिश नहीं कर सकते थे, इसीलिए उस समय के हिसाब से वो एक विजडम फॉर डिसीजन था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को हम फंडामेंटल एक फॉर्मेट बनाएंगे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें बोली, ये सवाल उनसे भी पूछा गया था, और इस पर डॉक्टर अंबेडकर का ये कहना था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में शासक जो थे वो ब्रिटिशर्स थे, शासित जो थे वो भारतीय थे, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा भारत का, उसमें शासक भारतीय होंगे जो भारतीयों के लिए इस संवैधानिक प्रावधानों का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे उन्होंने भारतीय और शब्द इसमें इन्फ्यूज किया, उन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज को क्लियर कर दिया कि व्यवस्था में इंस्टीट्यूशनलाइजेशन भले हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के हिसाब से रखा किन्हीं मजबूरियों के कारण, लेकिन जब चलाने वाले भारतीय होंगे तो भारतीयों के इंटरेस्ट में इस मॉडल ऑफ गवर्नेंस को चलाया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें ये होती है कि जब ये डिसाइड किया गया कि संविधान की स्टार्टिंग लाइन क्या होगी, और इस पर अच्छी खासी बहस हुई, अल्टीमेटली डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला वी द पीपल ऑफ इंडिया, या हम भारत के लोग। तो जब भारत के लोगों ने खुद संविधान को खुद को अर्पित किया, तो वो जो डिक्लेरेशन है, प्रियम्बल का एक एक वर्ड जो है वो भारतीयों का डिक्लेरेशन है, और भारतीयों ने वो डिक्लेरेशन, वो ब्रिटिशर्स का डिक्लेरेशन नहीं था, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन की जिस अभी फाइनल कॉपी की बात की जा रही थी, उसमें वो फाइनल जो आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो भारत की कल्चरल
हिस्टोरिकल और पूरी की पूरी स्पिरिचुअल जर्नी को दिखाता है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पे एक एक व्यक्ति ने जो संविधान सभा का सदस्य था उसने हस्ताक्षर किए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इस संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को प्रेजेंट किया, पूरी की पूरी संविधान सभा ने यूनैनिमसली इस संविधान को स्वीकार किया था। और उस समय उस संविधान सभा में अलग अलग रीजन के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लोग थे। तो जब सबने मिलकर के उस संविधान पे अपनी स्वीकृति दे दी तो संविधान भारतीयों का हो गया। यहाँ पे जो ये नैरेटिव चलाया गया उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि काफी समय तक चूंकि ब्रिटिशर्स ने बनाया था तो हमने क्या समझा कि हमने अंग्रेजी भाषा इस्तेमाल करी, वहां के जो शब्द हमने इस्तेमाल किए तो उनका इंटरप्रिटेशन हम ब्रिटिश या फॉरेन लॉ के हिसाब से करने लगे। तो धीरे धीरे एक नैरेशन क्या जाने लगा कि संविधान में कुछ भी भारत का है ही नहीं है। जब आर्टिकल 1 आपका कह देता है इंडिया दैट इज भारत, वो ये नहीं कहता भारत दैट इज इंडिया। इंडिया दैट इज भारत और भारत दैट इज इंडिया में बहुत डिफरेंस है। जैसे आपने कह दिया कि इंडिया भारत है तो भारत का मतलब हो गया जिसमें भारतीयता है। भारत एक स्टेट नहीं है, भारत एक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन है जिसकी अपनी कल्चर है, अपना ट्रेडिशन है, अपनी एक हिस्ट्री है। ये सारी की सारी चीजें भारत में समाहित है, भारत को आप इससे अलग कर ही नहीं सकते। इसलिए जैसे ही आप आर्टिकल 1 में बोलते हो इंडिया दैट इज भारत, आपने सिद्ध कर दिया कि ये भारतीयों का संविधान है। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है, देखिए भारत का अगर आप पूरा एक हिस्टोरिकल और कल्चरल पर्सपेक्टिव देखेंगे या नेशनलिस्ट और स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव देखेंगे तो दो चीजों पर बहुत जोर देता है। पहली चीज ये है कि भारतीयता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है नेशन फर्स्ट। यानी अगर आप पूरा का पूरा इतिहास देख लिए देखिए तो चाहे वो विदेशी आक्रांता हो, चाहे हमारी संस्कृति की रक्षा, और लोग हमेशा लड़े हैं। आज भी वी द पीपल ऑफ इंडिया के बाद जो पहला शब्द आता है वो सॉवरेनिटी आता है। और सॉवरेनिटी में ऐसा नहीं कि सिर्फ टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है, इसको हम रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन करते हैं। सॉवरेनिटी का अपना डोमेन बहुत बड़ा है। और आखिरी शब्द इसी प्रीएम्बल का फ्रेटर्निटी है। और ये फ्रेटर्निटी का जो ओरिजिनल अगर आप जुरिसप्रूडेंस देखेंगे ना तो भारत से निकलता है, जो भी G20 में वसुधैव कुटुंबकम की या विश्व बंधुत्व की बात करते हैं। तो पूरा का पूरा प्रीएम्बल का एक एक शब्द जो है स्टार्टिंग लाइन से लेकर के आखिरी शब्द तक इसका एक एक जुरिसप्रूडेंस भारतीय फिलोसफी पे बेस्ड है। क्योंकि हमने उसको कभी ढंग से प्रोजेक्ट नहीं किया इसलिए हमारे ऊपर ये आरोप लगते हैं। और अभी हमारे दोनों वक्ताओं ने बहुत अच्छे ढंग से बोला कि संविधान के अलग अलग प्रोविजंस में चाहे वो कल्चरल राइट्स की बात की गई हो, चाहे वो रिलीजियस फ्रीडम की बात की गई हो, चाहे वो मतलब इक्वेलिटी की बात की गई हो, ये सारी की सारी चीजें भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। इसीलिए आप ये कह ही नहीं सकते कि संविधान जो है वो भारतीयों का संविधान नहीं है। इसका एक एक शब्द में भारतीयता उत्प्रोत है और संविधान का जो ओरिजिनल प्रति है ना उसका एक एक पेज इस चीज को प्रूफ करता है। सर एक बात बताइए, जैसे हम कहते हैं कि प्रियाम्बल में जितने शब्द हैं, फ्रेटर्निटी हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया, सेक्युलरिज्म 52nd अमेंडमेंट के बाद डाला गया, या जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो US की देन है, ऐसे कहा जाता है कि हमने दूसरे दूसरे देशों से ये सब चीजें ली हैं। पर मैंने भी सच तो है, लेकिन अगर हम राम राज्य की भी बात करें, पुराने बौद्ध के समय की भी बात करें, तो उस टाइम पर भी पब्लिक का जनाधिकार था, पब्लिक को सुनते थे, राजा राम भी पब्लिक की बात मानते थे, तो उस टाइम पर भी था। मुझे दो तीन बातें इसमें कहनी है कि जैसे आप कह रही हैं प्रीएम्बल की बात, वैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अगर हम उसकी बात भी करें तो राज्य क्या क्या कर्तव्य है, तो अगर हम अपने पौराणिक उसमें ग्रंथों में भी देखेंगे तो राम राज्य की जैसे बात की, अब देखिए कि अशोक क्या करते थे, वृक्ष लगाते थे, राजा अशोक के बारे में कितनी चीजें पॉपुलर है। तो हम ये सब काम डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जिसकी आप बात करते हैं, मैं कोरिलेट करना चाहता हूं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कि राजा का दायित्व है कि अपनी जनता के लिए वो देखे, अपने लोगों को देखे कि कोई भूखा तो नहीं है, कोई अनएजुकेटेड तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं है, किसी घर में किसी तरह का दुख तो नहीं है। इस तरह की कितनी गाथाएं, स्पिरिचुअल गाथाएं और हिस्टोरिकल गाथाएं हमारे बीच में से हैं। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक प्रावधान को आप देखेंगे तो कई बार मैं सरप्राइज होता हूं। मैं IPC का सेक्शन सीमा जी देख रहा था, वो 163 या कोई ऐसा एक सेक्शन है जिसमें कहा जाता है, क्लियर कट कहता है
क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस क्लियर कट कहता है कि मुझे पहले अपने बचाने का अधिकार है, मुझे सबसे पहले। और एक बड़े धर्म के लिए अगर पूरे का पूरा कोई स्टेट जला दिया जाए, जला दिया जाए, और अगर एक पूरे देश के लिए, पूरे ग्लोब के लिए अगर एक व्यक्ति के गांव को जलाना पड़े तो गांव को जला दिया जाए, और अगर किसी व्यक्ति ने अपने परिवार को बचाना है तो अपने आप वो भस्म हो जाए। तो इस तरह की जो बातें आप देखिए हमारे लॉ में ये पॉपुलर है कि अगर आपको अपने आप को बचाने के लिए अगर पूरे का पूरा कोई जहाज डूब रहा है, देयर सो मेनी थिंग्स, आपने क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस से पढ़ा है कि अगर जहाज डूब रहा है, अगर दो व्यक्तियों को उसमें से डुबो दिया जाए और बाकी जहाज बच जाता है तो वो दो व्यक्ति डुबा सकते हैं, वो अपने आप में क्राइम नहीं माना जाएगा। और बल्कि मैं तो एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था डॉक्टर अम्बेडकर का, जो कि वो क्लियर कट कहते हैं, वो कहते हैं कि कानून कैसा बना है, अच्छा है या बुरा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको लागू करने वाला, उसको लागू करने वाला, उसको चलाने वाला इज मच मोर इम्पोर्टेंट। और आप देख लीजिए उसी का लाइव एग्जांपल, हमारा डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी अपने आप में किस चीज का एग्जांपल है, एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। डेमोक्रेसी आज हमारे यहाँ इतने ज्यादा प्रतिद्वंदी होते हैं, आपस में लड़ाइयां करते हैं एक दूसरे से, खूब इलेक्शंस में जो है आप देखें मसल और मसल पावर क्या क्या यूज होती है, परंतु जैसे ही डेमोक्रेसी के बाद आपके सामने रिजल्ट्स आते हैं, अभी 3-4 स्टेट के 5 स्टेट्स के इलेक्शंस हुए, आप देखना जिसको जनता ने छोड़ना है, जिस सीट को किसी राजा ने छोड़ना है, वो एक मिनट में छोड़ देता है, एक सेकंड, जबकि लगता है कि इतनी लड़ाइयां हो रही हैं उसको छोड़ेगा कैसे। तो उस डेमोक्रेसी को, उस कॉन्स्टिट्यूशन को अगर कोई जीवंत किसी ने किया है, जीवित किया है, तो भारतीय ने किया, वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को अपना ऐसा आधार मानता है, गीता की तरह उसको जीता है अपने आप में, अपने जीवन। मैं उन्यास जी की बात आगे करते हुए कहना चाहूंगा कि ये विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी लगातार चलती आ रही है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ही है जिसके अंदर ये तमाम इलेक्शंस होते हैं। आज हमारे मोदी जी जिन्होंने अपना जीवन प्रचारक के रूप से छोटे से खानदान से शुरू होकर और वहां पहुंच गए, तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन की ही देन है। और देखिए आज जैसे अभी उनियाल जी ने कहा इलेक्शन हो रहे हैं, जिसको जनता हटाना चाहेगी उसको वो वोट देके हटा देगी। प्रजातंत्र जो इस कॉन्स्टिट्यूशन की देन है, इतनी सफलता से हमारे देश में चल रहा है। और यह भारतीयता का ही मूल था कि पहले हमारे यहां पर गांव में, आज भी अगर असम और नॉर्थ ईस्ट की चले जाएं तो वहां गांव का बूढ़ा कहते हैं, और वो जो भी दंड वहां पे दंड देते हैं तो उसको भैंसों के उसमें कि इसको दो भैंसे दान करने, इसको ये होगा, तो वहां पर गांव का बूढ़ा जो कहता है वो लागू होता है, एंड दैट इज द लॉ देयर, दिस प्रेजेंट लॉ डजंट वर्क देयर एंड दैट वेरी सक्सेसफुली। तो हमारे यहाँ प्रजातंत्र, हमारे पंचायत राज का सिस्टम, ये सब कुछ हमने अपने वो जो मूल हमारे यहाँ चल रहा था वहां से, पंचायत राज सब कुछ लिया, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में चला है। और जो आज प्रजातंत्र हमारे यहाँ सफलतापूर्वक चल रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की देन है, और ये सब भारतीय मूल में छिपा हुआ। देखिए एक्चुअली में क्या है ना, इसमें हमें 2-3 चीजें समझनी पड़ेंगी। पहली बात यह कि जब यूरोप का पुनर्जागरण हो रहा था, उस समय जो इंडिया था यानी जो भारत था वो विश्व गुरु के पद पे था। और अगर आप एंगस मेडिसन की किताब पढ़ेंगे जो वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री की बात करते हैं, उन्होंने लिखा है कि ब्रिटिशर्स के आने तक, यानी जब मुगल यहाँ से अच्छा खासा धन लूट के ले जा चुके थे, तब तक भारत का जो दुनिया में ग्लोबल इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूशन था वो 33% के आसपास था। उस समय की खास बात यह है कि जब भारत प्रॉस्पेरिटी का सेंटर है तो वो नॉलेज का भी सेंटर है। आज आप अगर देखो तो दुनिया में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। प्रॉस्पेरिटी और नॉलेज के सेंटर का मतलब यह है कि भारत विध्वंसक नहीं है, भारत एक्सपेंशनिस्ट नहीं है, भारत कोलोनाइजेशन नहीं करता, भारत ह्यूमैनिटेरियन है, भारत अपनी प्रॉस्पेरिटी को शेयर करता है, ये भारत की खासियत है। अगर आप वर्ल्ड ऑर्डर को जब चेंज होते हुए देखते हैं तो आज एक कॉन्ट्रास्ट है, क्योंकि आज क्या है, कोलोनाइजेशन का फॉर्म चेंज हुआ बट कोलोनाइजेशन आज भी है, इकोनॉमिक कोलोनाइजेशन, चाहे वो चाइना कर रहा हो, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज कर रहे हैं, पर वो है। जब यूरोप पुनर्जागरण के लिए परेशान था, हमें ना थोड़ा सा एक डिफरेंस को समझना पड़ेगा। जो हमारा भारतीय मॉडल है गवर्नेंस का, उसमें जो किंग है ना वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड है, तो किंग सुपीरियर नहीं है, किंग उस धर्म, यानी राजा जो है वो धर्म से बंधा हुआ है, राजा के ऊपर है धर्म, और धर्म को अगर राजा फॉलो नहीं करता तो राजा हटेगा। लेकिन जब हम ऑस्टिन की थ्योरी देखते हैं ना, या जब हम वेस्ट के मॉडल को देखते हैं उनके गवर्नेंस के, तो वहां पे किंग सुपीरियर है, वहां पे धर्म सुपीरियर नहीं है। तो वहां पे जो भी प्रजा को दे रहा है ना वो राजा दे रहा है, और हमारे यहाँ जो राजा प्रजा को दे रहा है ना वो ईश्वर ने दिया है, वो राजा के थ्रू दे रहा है। तो एक चीज जो हमें बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है,
वेस्ट के कॉन्सेप्ट में राइट आप किंग के अगेंस्ट में क्लेम करते हो, यानी जो भी आप मांगोगे आप स्टेट से मांगोगे। हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट क्या है कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि बन के आपको देगा, वो आपके ऊपर कृपा नहीं कर रहा, वो आपका नेचुरल राइट है। तो हमारे जब संविधान की आप बात करते हो, ये जो पुनर्जागरण का काल था उसके बाद हमने एक लंबी गुलामी झेली, हमारे यहाँ शासन का जो मॉडल था वो चेंज हुआ, और 1857 के बाद जब ब्रिटिशर्स ने ये रियलाइज किया कि उनको भारत पे लंबे समय तक कैसे शासन करना है, तो उन्होंने अलग अलग तरीके से हमें कंट्रोल करने की कोशिश करी, क्योंकि 1857 का जो रेवोल्यूशन था वो फेल नहीं था, उससे अंग्रेज डर गए थे। इसीलिए अगर आप देखोगे तो उन्होंने दो फ्रंट पे काम किया था, पहला एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया, दूसरा लीगल सिस्टम को चेंज किया, और इन दो सिस्टम से वो हमें पूरा का पूरा कंट्रोल कर रहे थे। तो धीरे धीरे उन्होंने अपने एजुकेशन मॉडल से हमारे दिमाग में अपने थॉट प्रोसेस को इन्फ्यूज किया और हमें ये भूलने पे मजबूर कर दिया कि एक्चुअल में हम क्या थे। ये बात सच है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल की बात करते हैं तो उसमें जैसे तीन शब्द हैं आपके, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी एंड इक्वेलिटी, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए गए हैं, ठीक है। तो अब हम क्या मानते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के शब्द अगर तीन हैं तो इनका इंटरप्रिटेशन हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के हिसाब से करेंगे, लेकिन अगर आप भारत का इतिहास देखोगे तो जब पूरा यूरोप अंधकार युग में था ना, तो इंडिया इन शब्दों को जी रहा था, और जिया नहीं था, इंडिया ने हजारों साल की जर्नी कंप्लीट करी हुई थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन शब्दों को अपना बना करके पोर्ट्रे किया और हमने मान लिया कि ये इनके शब्द हैं, यानी लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले कहीं थे ही नहीं। तो हम क्या समझने लगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया पे भी अप्लीकेबल होगा। ये बात सच है कि भारतीयों ने भी एक आजादी की लड़ाई लड़ी थी, कोलोनाइजेशन के खिलाफ लड़ी थी, तो अधिकार कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट थे, इसीलिए संविधान में पार्ट थ्री में सबसे पहले फंडामेंटल राइट रखे गए। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा, जिस चीज की बात अभी सज्जी उनियाल जी कर रहे थे, जब आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं ना, तो हम इसको कहते हैं कि ये आयरलैंड से लिया गया, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को आप पढ़ो और आप महाभारत के शांति पर्व में जाके युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के संवाद को पढ़ो, वो आपको इससे मच मोर रिफाइंड लगेगा, और आपको लगेगा कि डीपीएसपी तो एक्चुअल में वहां से लिया हुआ है। चाणक्य के आप अर्थशास्त्र को पढ़ो, उनके मॉडल ऑफ गवर्नेंस को पढ़ो, उनके सुप्रीम कोर्ट यानी कोर्ट के स्ट्रक्चर को पढ़ो, उनका टैक्स सिस्टम को पढ़ो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस को पढ़ो, और आप हमारे मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ो, आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये सारी चीजें विश्व को भारत ने दी। क्योंकि हमें ये समझना चाहिए आज कि जिन चीजों को जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी ना, तो यूरोप की और आपकी या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले जो यूरोप की फाइनेंशियल कंडीशन थी ना, वो बहुत ही बुरी थी। ये लोग जो संपन्न हुए ना, वो संपन्न हुए जिन देशों को कोलोनाइज किया उनको लूट करके, तो वो एक वेल एस्टैब्लिश्ड सभ्यताएं थी जो नष्ट की गई। आज ही क्लेम करते हैं कि डेमोक्रेसी इनकी दी हुई है, इक्वेलिटी इनकी दी हुई है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में जो राजशाही थी वो आज की डेमोक्रेसी से कहीं ज्यादा डेमोक्रेटिक थी। आप राम राज्य का उदाहरण लेके देख लीजिए, आज भी अगर आपको वेलफेयर स्टेट का एग्जाम्पल देना होता है ना, तो आप आज भी पूरी दुनिया में राम राज्य के अलावा कोई मॉडल नहीं है, और वो संविधान में भी है। तो आप आज मॉडर्न टाइम में, चूंकि आपको आपका इतिहास भुला दिया गया, तो आपको लगता है कि ये शब्द आपने दूसरी जगहों से लिए हैं। मैं 100% गारंटी से कहती हूँ, आप इसमें से किसी भी शब्द की ओरिजिन तलाश लीजिए, ये हर एक शब्द भारत में लिखा नहीं गया है, इसको सक्सेसफुली जिया गया है। डेमोक्रेसी का मॉडर्न मॉडल जो है, जो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी, वो फेल हो सकता है, लेकिन भारत में राजशाही में जो डेमोक्रेसी थी कि अगर प्रजा को राजा पसंद नहीं, राजा को हटना पड़ेगा, वो राजशाही होकर के भी प्रजातांत्रिक थी। तो हम अगर उन चीजों को समझेंगे तब हम जाकर के उन शब्दों के एक्चुअल भाव को समझ पाएंगे, क्योंकि हम डिस्कनेक्टेड हो गए अपने इतिहास से। इसलिए आज हमें हर चीज लगती है कि हमने बाहर से बोरो करी, और इसीलिए हम कहते हैं कि शब्द जो है वो सारे प्रीएम्बल के जो है, एक एक शब्द जो है यहाँ वहां से बोरो किया गया है, ऐसा नहीं है। उसका मूल तत्व जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय है, और डॉक्टर अम्बेडकर ने जैसे बोला भी, उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को बेसिस बनाया, और जो बीएन राव थे, जो जो कि एक एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन किया था। उस समय गवर्नेंस का एक नया मॉडल आया था, और ऑब्वियसली एक यूनिफॉर्मिटी थी, तो ऐसा नहीं था कि भारत में पुराना प्रजातंत्र था, तो नए जगहों पर नए तरीके से चीजें नहीं आई थी। लेकिन मॉडल अगर आप रूट में लेकर जा करके देखोगे तो भारतीयता ही थी, और पूरी दुनिया में जब भी मॉडल फॉलो किए गए उससे कहीं ज्यादा पहले से, क्योंकि दुनिया में कोई भी सभ्यता ना 300, 400, 500 साल पुरानी सिविलाइजेशन,
भारत की जो सभ्यता है ना, पहला ऐसा देश है जिसकी 5,000 साल की रिटेन हिस्ट्री, में 5,000 साल मिनिमम बता रही हूँ, 5,000 साल नहीं, हजारों लाखों साल पुरानी सभ्यता है ये। तो इतनी लंबी सिविलाइजेशन है, इसने हर फेज को सक्सेसफुली जिया है। मैं तो कह रही हूँ दुनिया अभी भी एक्सपेरिमेंट कर रही है। इंडिया का मॉडल अल्टीमेटली पूरी दुनिया में एस्टेब्लिश होगा क्योंकि टाइम टेस्टेड है। और ये जो ट्रांजिशन फेज पूरी दुनिया में चल रहा है ना, आने वाले समय में जो मेरा अनुमान है, एक एक शब्द को दोबारा रीडिफाइन करना पड़ेगा, चाहे वो आपकी लिबर्टी हो, चाहे वो आपकी डेमोक्रेसी हो, चाहे वो आपका फ्रेटर्निटी हो, ह्यूमन राइट्स हो, क्योंकि पूरा मॉडल फेल हो चुका है। और फेल क्यों हुआ, आज आप देखिए पूरी दुनिया में जिस तरीके से चीजें हो रही है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट देख लो, आपने बनाया, हर मिनट कम से कम 6 लोग डिस्प्लेस होते हैं अपनी जगह से। 48 से लेके 2023 तक आपने किन लोगों की ह्यूमन राइट्स की रक्षा करी, आपका मॉडल फेल है। दूसरी बात, आप एनवायरमेंट के नाम पर समिट पे समिट किए जा रहे हो, नवंबर में हम लोग हाफ जैकेट में बिना स्वेटर के बैठे हुए हैं, धरती का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा, आपका जो है एनवायरमेंट का मॉडल फेल है। इंडिया जब इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन ग्लोबल इकोनॉमी को करता था ना, तो उसने सबको इंक्लूड करके किया, किसी को डिप्राइव नहीं किया, ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करी, प्रकृति के एक एक कंपोनेंट के प्रोटेक्शन की बात करिए, रिवर को भी प्रोटेक्ट करेंगे, एनिमल को भी प्रोटेक्ट करेंगे, प्लांट को भी प्रोटेक्ट करेंगे। अगर वो भारतीय मॉडल इन लोगों ने अपनाया होता, जिसे कि आज हम खुद समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो आज पूरी दुनिया में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी होती। इसलिए अल्टीमेटली आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे संविधान में भारतीयता है कि नहीं। मेरा जो दावा है, आने वाले 10 से 20 साल में पूरी दुनिया भारत के ओरिजिनल मॉडल का अध्ययन करेगी, क्योंकि अगर इस दुनिया को सस्टेनेबल बनाना है तो पूरी दुनिया को भारतीय मॉडल को ही समझना पड़ेगा और भारतीय संस्कृति को ही समझना पड़ेगा। देवांशी, जो सीमा जी कह रही है उस पे एक लाइन से, ना राज्यम ना राज्यसीत, ना दंडो ना दंडिका, प्रजा ही ना पहले दंड होता था, ना IPC होती थी, और ना कोई राज्य होता था, ना उसका ज्यूरिसडिक्शन होता था, आपस में जनता हमारे आपस में बैठ के सुलझाया करती थी। और जो बात इन्होंने कही, राजा जो है वो प्रतीक हुआ करता था ईश्वर का, उसी के थ्रू जो मैसेज जाते थे और वो अपने आप नहीं देता था, भगवान उसको देता था। और एक बार में अहम दंडोस्मी, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, और जगह ऐसा चलता है, पर राजा कहता था अहम दंडोस्मी, मुझे भी दंड मिल सकता है, मैं भी दंड हो सकता है, मुझे भी दंडित कर सकता है, कौन मुझे धर्म कौन करेगा, धर्म जो आप सीमा जी कह रही थी, दंड मुझे दंड देगा धर्म, धर्म के हिसाब से जो दंड होगा वो मुझे मिलेगा अगर मैंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसका हम पार्ट 4 का कॉन्स्टिट्यूशन का कर रहे हैं, अगर मैं अपनी प्रजा को ठीक से सुरक्षित नहीं कर पाता हूं, एजुकेशन नहीं दे पा सकता हूं, खाना नहीं खिला पाता हूं, तो मुझे धर्म सजा देगा, इस तरह का कॉन्सेप्ट। और लास्ट में जो थोड़े बहुत लोग सोचते हैं कि शायद, तो उसको मुझे लगता है कि महाभारत का वो श्लोक बिल्कुल चरितार्थ होता है, हते द्रोणे हते भीष्म कर्णे च विनिपातिते आशा बलवती राजन शल्यो जेष्यति पांडवान। अरे संजय, हते द्रोणे, द्रोण चला गया, कर्ण चला गया इतना बहादुर, अब मुझे लगता है कि शायद शल्य, इतना छोटा सा राजा शल्य, उस अंधे धृतराष्ट्र को लगता है, जैसे कुछ लोगों को लगता है कि शायद ये देश दोबारा से जो उसी तरह आ जाए, हम इसको डिवाइड कर पाए, वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशन को जो हमने हिस्ट्री बदली, एजुकेशन को चेंज किया मकाले के, उस सबको ना कर पाए और दोबारा से रिस्टेब्लिश करके इसको डिवाइड कर पाए, तो लिए लगभग वैसा ही है जैसे अंधा धृतराष्ट्र संजय से कहता है शायद शल्य तो बचा हुआ है, शल्य जो कि नाखून की शक्ति भी नहीं रखता था सारे पांडवों के सामने, सब जब सारे जो है बिल्कुल धृतराष्ट्र से लेके सब बिल्कुल जो है खत्म हो गए, तो वो शल्ले पे अपना विश्वास रखा हुआ था। ऐसे ही एक स्कूल ऑफ थॉट, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, शायद वो इसी विचारधारा से अभी थोड़ी बहुत शक्ति के साथ लगे हुए हैं, वरना आज लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। मैं सीमा जी और आपकी बात से बात निकालने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे आपने कहा कि शब्दों को रीडिफाइन करने का टाइम आ गया है, वैसे ही जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन को अगर जड़ समझें और बाकी सारे स्टैट्यूट्स को उसकी शाखा, बिकॉज उसी के आर्टिकल्स से ही बाकी उसी की धाराओं में से सारे बाकी के अपने एक्ट और स्टैट्यूट्स निकल रहे हैं, सोर्स वही है, और जितने हम अभी बाकी पीनल लॉज देखे या प्रोसीजरल लॉज देखे, चाहे हम IPC ले, तो IPC सुनते हमारे दिमाग में शायद लॉ स्कूल में पढ़ाया ही जाते हैं, मैकॉले उसने वो ही लाए थे, क्या हमारे पास उससे पहले कोई दंड संहिता नहीं थी क्या? या हम बात करें सिविल प्रोसीजर की, तो क्या उससे पहले कोई सिविल केसेस होते ही नहीं थे, लोगों के कोई वाद ही नहीं थे, कोई विवाद ही नहीं थे क्या? तो क्या जरूरत है, कितनी अर्जेंसी है आज के टाइम पे लॉज को रीडिफाइन करने की? कॉन्स्टिट्यूशन रीडिफाइन होगा विद टाइम, पार्लियामेंट विल डू इट विद टाइम, द स्टेट विल टेक केयर ऑफ इट,
लेकिन कितनी जरूरत है कि स्टेट करंट स्टैट्यूट्स, करंट लॉस को भी टाइम से जल्दी रीडिफाइन करे, बिकॉज समय बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, टाइप ऑफ क्राइम, टाइप ऑफ पीपल, टाइप एवरीथिंग इज चेंजिंग, एवरीथिंग इज डायनामिक. तो कितनी जरूरत है आज के टाइम पे लॉस को रीडिफाइन करने की. सीमा जी, आपका क्या टेक है इसमें? देखिए, आज संविधान दिवस, मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट बात है हमारे लिए जाननी कि संविधान को पढ़ा नहीं जाता, संविधान को जिया जाता है. लोगों ने संविधान को पढ़ना शुरू किया और जब उसको पढ़ने लगे ना, तो उन्होंने उसका इंटरप्रिटेशन एकदम इतर जाकर के, ये संविधान सभा के जो लोग थे ना, बड़े विद्वान थे. जब आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो डिसेंट में गई, यानी वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं बनी, पर वो डिसेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जिन चीजों पर डिस्कशन हुआ इसमें इंपॉर्टेंट ये जो शब्द रखे गए उनका क्या इंटेंशन था, और बाद में जो लोग सत्ता में रहे या जिस तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन किया, उन लोगों ने उसको किस ढंग से समझा. जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है फ्रेटर्निटी की. फ्रेटर्निटी के इंटैक्ट रखने के लिए सबसे बड़ी प्री कंडीशन है कि आप इंडिविजुअलिटी को प्रमोट मत करो, राइट? लेकिन अगर आप पूरा का पूरा इंटरप्रिटेशन लॉ का देखिए तो क्या करता है, वो इंडिविजुअलिटी की बात करता है. तो आप क्या कर रहे हो ना, आप फ्रेटर्निटी को वहां पर डायल्यूट करो. इसका मतलब आपने प्रीएम्बल को ढंग से समझा ही नहीं. जब मैंने या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने फ्रेटर्निटी शब्द बहुत सोच समझ के डाला था, तो आप जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ोगे ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन को आप बिट्स एंड पीसेस में नहीं पढ़ोगे. इक्वेलिटी को अलग कर दिया, जस्टिस को अलग कर दिया, लिबर्टी को अलग कर दिया. इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली थी. उन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी और इक्वेलिटी का कोई भी ऐसा इंटरप्रिटेशन जो कि सॉवरेनिटी और फ्रेटर्निटी को कॉम्प्रोमाइज करे, वो गलत इंटरप्रिटेशन माना जाएगा. कितनी बड़ी बात बोली थी. पर क्या हम इस चीज को समझते हैं? अब अगर हम इस चीज को नहीं समझ रहे हैं तो हम दोष कॉन्स्टिट्यूशन पे दे रहे हैं. दोष कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, नंबर एक बात. नंबर दो बात, जो अभी आप लॉस की बात कर रहे हो, देखिए हमें कहीं ना कहीं लीगल रिफॉर्म लाना पड़ेगा. भारत का अगर आप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखते हो, आप चाणक्य का अर्थशास्त्र पढ़ लीजिए, उसके पहले आप चले जाइए आप बृहस्पति संहिता पढ़ लीजिए, शुक्र संहिता, मनुस्मृति, जो भी पढ़ लीजिए, भारत में एक प्रॉपरली डिफाइंड लीगल सिस्टम था. लेकिन उस लीगल सिस्टम की खास बात क्या थी, उन्होंने ना उसको पहली बात कॉम्प्लेक्स नहीं किया था, दूसरी बात ओवर इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया था. ब्रिटिशर्स जब आए ना, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने एक तो उसको लिख करके बांध दिया और दूसरा उसको कॉम्प्लेक्स करके इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया. जब आपने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया ना, तो आप पावर को टॉप टू बॉटम परकोलेट करने लगे. एक आम आदमी की समझ के बियॉन्ड कर दिया. दो लोग वहां बैठ करके जो बोल रहे हैं ना, लिखने वाले ने क्या लिखा या क्या लिखना चाह रहा था, या ये दोनों को समझ में नहीं आ रहा है. जो उस केस का वादी प्रतिवादी, उसको समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअल में लॉ में लिखा क्या है. न्याय के लिए पहली प्रीकंडीशन ये होती है कि पढ़ने वाले को भी समझ में आए कि ये न्याय है. तो हमारा जो सिस्टम था वो चलता था नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस पे, वो चलता था धर्म के बेसिक प्रिंसिपल पे. और इसलिए याद रखिए, आज भी सुप्रीम कोर्ट का जो मोटो है ना, वो यतो धर्मस ततो जया है. पर पूरे के पूरे इंटरप्रिटेशन आप उठा के देख लीजिए, गिने चुने लोगों ने ये बात बोली होगी कि सुप्रीम कोर्ट का मोटो क्या है. अगर हम मोटो को पढ़ते हैं तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कहां से लिया गया है, तो हमें समझ में आता है कि महाभारत से लिया गया. और महाभारत अपने आप में ज्यूरिसप्रूडेंस का बेस्ट डॉक्यूमेंट है, जो हर तरीके के सर्कमस्टेंसेस में आपका क्या बिहेवियर होना चाहिए, वो पूरे न्याय की कहानी है. एक अन्याय हो रहा है तो उसमें क्या न्याय होगा, यही महाभारत है. आपने पूरे न्याय का जो फंडामेंटल है, जो गांधारी दुर्योधन से कहती है कि गांधारी ने दुर्योधन को कभी जीतने का आशीर्वाद नहीं दिया, उसका बेटा था वो, जब जाके अपनी माँ का पैर छूता था और कहता था माँ मुझे जीतने का आशीर्वाद दो, कहती थी यह तो धर्मस्त तो जहाँ धर्म है जीत उसी की है, तुम्हारी जीत तभी होगी जब तुम धर्म को फॉलो करोगे. इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है. एक जो लाइन मैंने बोली ना, ये बहुत बड़ी फिलोसफी है, ये सुप्रीम कोर्ट का मोटो है. पर हमने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने जो हमारे लिए सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, वो उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे. ये हमारी कमी निश्चित रूप से है कि आजादी के बाद हम अभी भी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन तो चलिए ठीक है, पर लॉ का जो रिफॉर्म हमें करना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए. और उसका परिणाम हमें दिखता है जब कोर्ट कहती है 4 करोड़ केसेस पेंडिंग है. अगर 4 करोड़ केसेस पेंडिंग है तो इसका मतलब आप जस्टिस नहीं दे पा रहे हो. अगर आप जस्टिस नहीं दे पा रहे हो तो प्रॉब्लम कहाँ पे है. मैं एक सिंपल सा एक बड़ी बात मैं बोल रही हूँ और मुझे लगता है आप सबको इस पे सोचना चाहिए. एक मैटर ट्रायल कोर्ट में आया, ट्रायल कोर्ट के जज ने डिसीजन दिया, अपीलेट कोर्ट में वो चेंज हो गया, हाई कोर्ट में फिर से एस्टेब्लिश हो गया पुराना वाला, सुप्रीम कोर्ट में कहाँ जाएगा आपको मालूम नहीं है. सत्य तो एक ही है ना, तो 4 जजमेंट में 4 सत्य कैसे आ रहे हैं.
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम सत्य को आइडेंटिफाई नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि जज के सामने जो दो लोग बोल रहे हैं ना, उनका कॉम्पिटेंस क्या है। तो हमें जजमेंट डिलीवरी सिस्टम को, अगर जस्टिस डिलीवरी सिस्टम बनाना है, तो हमें लॉज को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, प्रोसीजर्स की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना पड़ेगा। और इस चीज को कहीं ना कहीं रियलाइज कर लिया गया, इसीलिए पंचायती राज को रीइंट्रोड्यूस किया गया। और अब आप देखिए, वही जो मीडिएशन जो भारत की सबसे पुरानी परंपरा थी, उसको आप रीपैकेज करके वापस लेके आ रहे हो एडीआर के फॉर्म में, आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन। आप वही तो कर रहे हो ना। तो अल्टीमेटली घूम फिर के आपको उसी पुरानी व्यवस्था पे आना पड़ा जो भारत में थी। और इसलिए मैं कह रही हूँ कि पूरी दुनिया को अल्टीमेटली भारत की उसी पुरानी व्यवस्था पे आना पड़ेगा, भले ही वो रीपैकेजिंग करके आए। इसकी शुरुआत हो चुकी है। अगर आप देखिए, अब तो सिर्फ वो आईक्यू की बात नहीं करते दुनिया में, पहले सिर्फ आईक्यू, इसका आईक्यू कितना है, कहते नहीं आपका स्पिरिचुअल क्वेश्चन कितना है, आपका सोशल क्वेश्चन कितना। ये भारत का कॉन्सेप्ट है कि आपकी पर्सनालिटी का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। तो धीरे 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 उनको चीजें समझ में आ रही हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम समझ जाए ना तो ज्यादा अच्छा होगा, नहीं तो फिर वो उस पर अपना क्लेम करके रिपैकेजिंग करके पैसे ही देंगे, जैसे कि हमें एडीआर दे रहे हैं। तो जहां पे गड़बड़ है वहां पे रिफॉर्म होना चाहिए। लॉस कॉम्प्लेक्स है, जिससे एक आम व्यक्ति डील करता है, उसको जो है हमें सिंप्लीफाई करना चाहिए। और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लॉ बन गए हैं, इनको कम करने की जरूरत है। आई थिंक हमें तो आइडिया भी नहीं कि टोटल कितने स्टैट्यूट है, 200 से ज्यादा है। 200 से ज्यादा के तो रिकॉर्ड मैं कुछ दिन पहले सुन रही थी, कोई मंत्री जी थे वो दे रहे थे कि हमें दो, मैंने कहा क्यों रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है कि किस, नहीं, नहीं, नहीं। सिर्फ सेंट्रल लॉस की बात करूँ, 8,000 से ज्यादा, 8,000 से ज्यादा, 8,500 के आसपास मोदी जी ने काफी खत्म की। बहुत ज्यादा लॉ बना देते हो ना, पहली बात आप सोसाइटी को कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, और कई बार जहाँ पर डिस्प्यूट नहीं हो सकते वहाँ सिर्फ इसलिए हो जाते हैं कि वहाँ देयर इज अ लॉ। और सेकंड उसमें सीमा जी एक बात और भी है ना, ओवरलैपिंग होती है। बिल्कुल, जब 8,000 होंगे तो वो कौन सा जो है सस्टेन करेगा, जो आप बात अभी कह रही थी, कौन सा नहीं करेगा, कौन सा कहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में कौन सा लॉ किसको ओवरलैप कर रहा है। अगर स्पेशल लॉ है तो स्पेशल लॉ तो समाज ही ना, ओवरलैपिंग तो होगी होगी। प्रॉब्लम ये है कि इफ यू अमेंड वन ऑफ इट बाकियों को नहीं करते तो फिर वो कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। जो रिफॉर्म देखिए बहुत जरूरी है, पहला आप एजुकेशन रिफॉर्म करिए और मॉरलिटी को सोशलाइज करिए, इंस्टीट्यूशनलाइज मत करिए। हमने मॉरलिटी को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए इंस्टीट्यूशनलाइज और सोशलाइज। इंस्टीट्यूशनलाइज का मतलब ये है कि अगर मुझे पुलिस देख रही है, कोई देख रहा है तो मैं मॉरल हूँ, कोई नहीं देख रहा है तो मैं मॉरल नहीं हूँ। एक छोटी सी कहानी में मुझे याद है, एक गुरुकुल में गुरु जी थे, उन्होंने सारे बच्चों को आम दिया और बोला ऐसी जगह खाना जहाँ पे भगवान न देखे। तो कोई यहाँ छुप करके, कोई वहां छुप करके, एक बच्चा रोता रोता आया, बोला मैं कहाँ खाऊं, उसे मुझे तो भगवान ही देखते हैं। तो ये आप देखो एक छोटी सी बात है, पर ये कितने बड़ा मैसेज दे रही है कि देखने वाला तो आपको हर जगह देख रहा है। लेकिन अभी जब मेरे से बच्चे सवाल पूछते हैं कि हम इस काम को क्यों करें, कहाँ लिखा हुआ है, तो ये सवाल वो क्यों पूछ रहे हैं। यानी अगर कल मुझसे कभी किसी लड़के ने पूछा कि कहाँ लिखा है कि हमें किसी की जान बचानी चाहिए, अब आप ये सोचिए इसका मतलब सोसाइटी से हम मॉरलिटी को इस तरीके से हटा करके इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं कि अब हमें ये भी रियलाइजेशन नहीं कि हर चीज लिखी नहीं जा सकती, जो लिखी हो मिनिमम है, मिनिमम है, जो लिखी हो मिनिमम है, उसके बियॉन्ड जो नहीं लिखी हो कई गुना ज्यादा, अरबों शब्दों में से कुछ शब्दों को चुन करके, लाख शब्द इकट्ठा करके अगर आपने एक डॉक्यूमेंट बना दिया, तो जो शब्द उन लाखों डॉक्यूमेंट, लाखों शब्दों में, इसका मतलब वो नहीं कि वो रेलेवेंट नहीं है, कुछ को आपने कलेक्ट किया है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का मतलब है कि हमने ये सिद्ध कर दिया कि तुम्हारे ऊपर एक वॉच डॉग है, वो तुम्हें देख रहा है। और वो जो मैंने बताया ना कि ये देश जो है अभी भी, मैं आपको गारंटी से कहती हूँ, यहाँ लोग कानून के डर से कानून का पालन नहीं करते हैं, यहाँ लोग धर्म के कारण कानून का पालन करते हैं। इसलिए जिसको लॉ का डर नहीं है ना, उससे आप लॉ को फॉलो नहीं करवा सकते। यहाँ की 90% जनता आज भी धर्म के आधार पे लॉ को फॉलो करती है, यहाँ पे लॉ ही धर्म है। ये चीज हमें वापस लानी पड़ेगी। सोशलाइजेशन का मतलब ये हुआ, जब बच्चे को बचपन से उसके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, उस स्कूल के टीचर्स पंचतंत्र की कहानियां से लेकर के राम और कृष्ण की जीवनी पढ़ा के बताते थे कि तुम्हारा कैरेक्टर कैसे होना चाहिए, उसको तो बेस को तो हमने एजुकेशन से हटा दिया। अब हम उसको सीधे लॉ बताते हैं, देखो तुम्हारा ये राइट है। वो पैदा होते सिर्फ एक चीज सोच रहा है कि उसका क्या राइट है। हमारे बच्चे पढ़ने आते हैं, फर्स्ट ईयर में आके सबसे पहले रिट हमारे खिलाफ लगाते हैं कि हमारा राइट है। यानी अगर वो एडमिशन ले लिए तो डिग्री उनका राइट है, पर उनको क्लास में आना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, पूरी नहीं है तो सीधे कोर्ट में चले जाते। ये मैं इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की बात कर रही हूं, आप मॉरलिटी को सोशलाइज करिए कि अगर मुझे कोई भी नहीं देख रहा ना तो मेरी मॉरलिटी इतनी है कि मैं उसको फॉलो करूंगी। इस कॉन्सेप्ट को हमने डाइल्यूट किया, और भारत का जो कॉन्सेप्ट है ना वो धर्म है, जो कि कहता है कि मॉरलिटी सोशलाइज होनी चाहिए,
इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं होनी चाहिए, हमने रोमन मॉडल लिया, रोम में जो है ये इंस्टीट्यूशनलाइज थी, हमने यहाँ पे इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, इसलिए अब जगह हर जगह हम देखते हैं कोई कानून मुझे गलत करने से रोक तो नहीं रहा है, अगर रोक नहीं रहा है तो हम गलत करेंगे। आपकी बात से मुझे वही तो नहीं है कि उसको देख के क्या हमारा जो मोटो है नेशनल सत्यमेव जयते पुलिस ट्रुथ विल प्रिवेल, तो उनकी बात को आगे बढ़ाते, आप क्या कह रहे हैं? अपने इस सेशन के लास्ट स्टेज पे चलते हैं, पर उससे पहले आपने एक बात बोली उससे मुझे अपनी कहानी याद आई, और बहुत ही ज्यादा पुराना किस्सा नहीं है, और हम सब दोस्त लोग कॉलेज से मूवी देखने गए थे, तो थिएटर में राष्ट्रगान बजता है, हम सब खड़े होते हैं अपनी जगह पे, तो मेरे एक दोस्त बैठे रह गए, तो मैंने उसे इशारा करा भी खड़े हो, सब खड़े हो गए हैं, तो वो खड़े नहीं हुए अपनी जगह से, कोई बात नहीं 52 सेकंड खत्म हुआ है, जब हम बैठे भाई क्यों नहीं खड़ा हुआ, कहते वेयर इज इट रिटन, इट इज माई फंडामेंटल ड्यूटी, इट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन ऑन मी टू स्टैंड वेयर नेशनल एंथम। तो उसको जवाब देने के लिए मैंने कहा इसको क्या ही जवाब दिया जाए, जो उसको मैं कितना ही ज्ञान दे दूं वो नहीं खड़ा होगा अपनी जगह पे, पर ये भावना कि ड्यूटी है तो नहीं करेंगे, राइट है तो सबसे पहले आके मांगेंगे, ये कहीं ना कहीं नैरेटिव ऐसा सोसाइटी में सेट करा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट तो आप हक से मांगो, दूसरे को आप भूल ही जाओ। तो जैसे आप भी रोज बच्चों से मिलते हैं, रोज आप ड्यू में कॉलेज में कितने अनगिनत नए नए बच्चों से मिलते हैं, नए नए थॉट्स, नए नए आइडियोलॉजीज से आपका इंट्रैक्शन होता है, आपका कोर्ट्स में होता है, व्हाट इज इट दैट यू थिंक कि करंट नीड है उस पे काम होना चाहिए, लॉज पे आपका क्या टेक, कॉन्स्टिट्यूशन पे ऐसी क्या चीज है जो अभी मिसिंग है, या लॉज में ऐसा क्या सोसाइटी में इन्फ्यूज कर सकते हैं थ्रू लॉ हम जो अभी मिसिंग है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी प्रोबेबली फ्यूचर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। भाई सबसे इंपॉर्टेंट तो बात मुझे लगती है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स होने चाहिए, आप इनिशिएटिव लीजिए, आप शुरुआत में इनिशिएटिव लीजिए। मैं आपको 2-3 लाइव एग्जांपल आपको बताऊंगा कि जो 4 करोड़ केसेस लगातार हमें उंगली दिखाते हैं, हमें चिढ़ाते रहते हैं कि हम 4 करोड़ हैं, 4 करोड़ के 4.25 करोड़, 4.5 करोड़ हो जाएंगे। बींग एन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हमें जो जैसे हम कह रहे थे कि हमारे बीच में पंच, हम गांव में आपस में बैठ के उसको सुलझाने की कोशिश किया करते थे, फिर आगे बढ़ा करते थे, उसी को आपने रिडिफाइन किया अच्छे से रैपर में जो है रैप करके बहुत बड़े जो शोरूम में जाके बेच दिया कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, हम जो है वो ADR की थ्योरी को आगे चलाने लगे, स्पेशलाइज्ड लोगों को कि ये मीडिएशन के एक्सपर्ट हैं, तो पहली स्टेज में क्यों नहीं हो सकता। मैं आपको 2-3 दीवांशी एग्जाम्पल ऐसे दूंगा कि मेरे पास एक मैटर आया, उस मैटर में वो डिस्प्यूट लगातार चल रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि आप एक बार मैं आपके अपोजिट जो है उनसे एक बार बात कर लूं, मुझे तो लग नहीं रहा इसमें कुछ बचा हुआ है केस में, तो उन्होंने कहा जी देख लीजिए, मैंने उनसे बात की और मुझे लगता है कि अगली डेट पर ही वो सॉर्ट हो गया मैटर। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो अगर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल चलें, अपनी एडवोकेसी के प्रोफेशनलिज्म को भी थोड़ा सा डाइल्यूट करें, जो कह रही थी कि मोरल पुलिसिंग, मुझे कोई नहीं देख रहा था कि मैं वो सेटल करवा पा रहा हूँ, मेरी फीस आएगी या नहीं आएगी, पर मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलता था, तो वो भारत का वो जो बेस है जिस कॉन्स्टिट्यूशन की संविधान की बात करते हैं कि मुझे सेटिस्फेक्शन, मुझे अपने प्रोफेशन से सेटिस्फेक्शन हुआ कि समाज में दो लोग लड़ रहे थे लगातार 10 साल से, क्या आपने कुछ एक्स्ट्रा माइल चल के कुछ एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लेके वो सॉर्ट किया, तो एक बहुत बड़ा योगदान है। मुझे लगता है यही भारतीयता है और यही हमारे यहाँ पर मिसिंग है, जिसको कि कहीं ना कहीं हमें मोरल पॉइंट ऑफ व्यू से, परिवार के माध्यम से, जो जैसे आप कहें सोशल माध्यम से और इन सब माध्यमों से हमें ऐड करना चाहिए अपने सिलेबस में। मैं उनियाल जी की बात आगे करते हुए कहूंगा कि आज जब हम बड़े अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट जब बड़ी फीस लेते हैं, तो वो उनियाल जी जो बात करें वो नहीं करते, वो उनके तरह से चलने लगते हैं जो क्लाइंट चाहता है, क्योंकि उन्होंने बड़ी फीस ली, तो वो उसको मामले को खत्म करने के बजाय अपने फीस पर ध्यान देते हैं और उस पर आगे बढ़ते हैं, तो वो भी एक विधा चल रही है यहाँ। तो अगर हम पुरानी परंपराओं पर जाएं मीडिएशन और उस तरीके से सुलह सफा से अगर मामलों को खत्म करें तो बहुत सारे मुकदमे खत्म हो सकते। मेरा इसमें एक्चुअली ये कहना था, देखिए क्या है ना कि समाज जिस चीज की वैल्यू करता है आप वैसे ही बनते हो। भारत में जब ज्ञानियों की वैल्यू थी तो हम विश्व गुरु थे, तब राजा भी ना पूछ करके गुरुकुल में जाता था कि हमारे किना, यानी राजा बड़ा नहीं है गुरु बड़ा है, तो हम विश्व गुरु थे। समाज में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जब पावर शिफ्ट वेस्ट की तरफ हुई, तो उन्होंने एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस किया कि सबसे बड़ा पैसा।
पूरी दुनिया उसी मॉडल पे चल रही है। अब आप किसी भी प्रोफेशन में, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? पैसा। अगर हम पैसा देके पढ़ेंगे तो हम पैसा कमाएंगे, मुझे सोसाइटी से मतलब नहीं है। और जब हम पैसा कमाएंगे तो हम अपने लिए कमाएंगे। तो एक अगर अगर आप देखो, जिसकी मैं बात करी थी, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिविजुअलिज्म की बात नहीं करता, वो फ्रेटर्निटी की बात कर रहा है। लेकिन जब हम इंटरप्रिटेशन पे आ रहे हैं और राइट पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, तो अगर एक व्यक्ति भी सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी सेम सेक्स का केस हुआ और आपने बोला कि हम उसको एक अलग कैटेगरी मान के, ठीक है आप उसको डिस्कस करो, आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल अबाउट दैट, लेकिन मेरा उसमें क्या कहना है, मेरा उसमें ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या उन चीजों को सही ढंग से समझा। इसको मैं छोटी से एग्जांपल से समझाना चाहती हूँ। देखिए क्या होता है, कोई मैटर कोर्ट में कब आता है, जब कोई कंफ्लिक्ट होता है और वो कंफ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हो पाया तो हम कोर्ट में चले गए। अब वो मैटर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो, कोई भी हो सकता है, मैं ब्रॉड कैटेगरी में लेती हूँ। कोई मैटर अगर कोर्ट में आता है जहाँ पे, जैसे अभी इंडिया में रोहिंग्यास की बात चल रही है, ठीक है, कुछ कुछ लोग आते हैं कि टेररिस्ट के फंडामेंटल राइट है, कोई कहेगा नक्सलाइट्स के फंडामेंटल राइट है, और उन सारी पिटीशंस को सुप्रीम कोर्ट सुनती है, सुनती है, चलिए ठीक है। लेकिन आपके इंटरप्रिटेशन का बेसिस क्या है? जब आप फंडामेंटल राइट को देखेंगे तो हर फंडामेंटल राइट में रिस्ट्रिक्शन का एक ग्राउंड है। Correct. क्या क्या ग्राउंड है? नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक मोरालिटी। जहां जहां पे फंडामेंटल राइट है वहां पे रिस्ट्रिक्शन यही है। तो इसका मतलब फंडामेंटल राइट में एक चीज अपने आप इम्प्लाइड है, पहले नेशनल इंटरेस्ट, फिर सोशल इंटरेस्ट और फिर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ना इस पिरामिड को उलट दिया है, पहले इंडिविजुअल इंटरेस्ट, फिर सोशल इंटरेस्ट, फिर नेशनल इंटरेस्ट। और अगर आपको याद हो तो आप देखिए कि ऐसे कई केसेस हुए सुप्रीम, अगर आपको कश्मीर का केस याद हो जिस मेजर ने उस आतंकवादी को जीप से बांधा था, yes. याद है उस मेजर के अगेंस्ट में आपने एक्शन कैसे लेने की बात करी, कैसी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने उस मेजर को प्रोसिक्यूट करने की बात करी, उसने तो लोगों की जान बचाई थी ना, ही वाज जस्ट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी। लेकिन आपने क्या किया, आपने वहां पे जो पत्थरबाज थे उनके राइट को आपने ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा। तो ये जो पिरामिड उल्टा है ना, इसका परिणाम ये हो रहा है कि मीडिया के थ्रू और अलग अलग सोर्सेस से जो पब्लिक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है अक्रॉस द ग्लोब, आपको याद होगा ये बड़ी सोचने वाली बात है। अभी जब कोविड आया तो वेस्टर्न कंट्रीज में जब ये आया कि मास्क पहना जाए तो लोग सड़कों पे उतरे, उन्होंने बोला माय बॉडी माय राइट, नहीं पहनेंगे, आप क्या करोगे, हम पार्टी करेंगे, आप क्या करोगे। इंडिया में जो एकदम जिसको हम अनपढ़ कहते हैं ना, वो इंसान ने भी गलती नहीं करी कि हम मास्क क्यों पहने, हम नहीं पहनेंगे, क्योंकि उसको पता है कि उसके लिए उसकी नहीं, उसके आस पड़ोस रहने वालों की लाइफ इंपॉर्टेंट है। ये जो कल्चर का डिफरेंस है ना, ये हमें समझना पड़ेगा। जब हम वहां के मॉडल को यहाँ पे कोर्ट्स इम्प्लीमेंट करती हैं वहां के जो स्टूडेंट्स के हिसाब से, तो वो एक गलत मैसेज देता है यहाँ के यूथ को। और परिणाम उसका क्या होता है ना कि आज हर एक बच्चा कहता है कहाँ लिखा हुआ है ये मेरा राइट है। हमें इस नरेशन को चेंज करने के लिए दो लेवल पे काम करना पड़ेगा, एक एकेडमिक लेवल पे और एक जुडिशियल लेवल पे, क्योंकि ये मैसेज गलत जा रहा है। आपके देश में 7-8 करोड़ बाहर के घुसपैठिए आके बैठे हैं और आप उनके ह्यूमन राइट्स की बात करके सालों साल उन मैटर्स को सुन करके उनको रेमेडी कैसे दे सकते हो? कि आपने इसका असेसमेंट किया कि वो आपकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा थ्रेट है, तो आपने उनके ह्यूमन राइट्स को इन 100 करोड़ 140 करोड़ के ह्यूमन राइट्स के ऊपर रख दिया। ये जो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है ना, और ये कंफ्यूजन संविधान में नहीं है, इस संविधान को समझने वालों में, क्योंकि संविधान ने क्लियर कर दिया है कि नेशन फर्स्ट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ये चीज अगर हम समझ लें और हम प्रमोट करना शुरू करें स्टूडेंट्स में कि नेशन फर्स्ट, यूथ में कि नेशन फर्स्ट, सोसाइटी फर्स्ट, और अगर आप पूरा व्यष्टि से समष्टि का जब कॉन्सेप्ट देखते हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी का भी अगर आप इंटीग्रल ह्यूमनिज्म देखते हैं, तो जब वो व्यष्टि से समष्टि की व्यक्त करते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले ब्रह्मांड है, फिर उसके बाद मतलब यूनिवर्स का इंटरेस्ट, फिर अर्थ का इंटरेस्ट, फिर कंट्री का इंटरेस्ट, फिर सोसाइटी का इंटरेस्ट, फिर फैमिली का इंटरेस्ट, और लास्ट में आपका इंटरेस्ट। अब हमने क्या किया ना, ग्लोबल लेवल पे इस मॉडल को पलटा है और उसको हम चूंकि यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हमें इस चीजों का सामना करना पड़ रहा है। हमें इसको फिर से भारतीय ओरिएंटेशन पे लेकर के जाना पड़ेगा, तभी ये धरती भी बचेगी, ये देश भी बचेगा, और ये समाज भी बचेगा, और ह्यूमैनिटी भी तभी बचेगी। धन्यवाद आप तीनों का बहुत बहुत। हमारे दर्शकों को आई थिंक बहुत ज्यादा कंटेंट मिल गया है विचार करने के लिए, विमर्श करने के लिए। कई बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही, जैसे कि